यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम, बहुत ही खुशखबरी की बात है, दृष्टि आईएएस ने उनके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लाया है। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे कि आखिर ये मेंटरशिप प्रोग्राम होता क्या है। अभी तक तो ये यूपीएससी के लिए लाए थे, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत ही बेहतरीन और रणनीतिक तरीके से बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी अपनाकर ये यूपी पीसीएस के लिए लाए हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन सब कुछ जानेंगे कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्या होता है, किन के लिए होता है, आप इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसे कितना लाभ मिलेगा, कौन कौन सी सुविधाएँ मिलेंगी, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले हम आराम से मतलब जल्दी से जान लेते हैं ये मेंटरशिप प्रोग्राम होता क्या है। तो मेरे भाई आप जान लीजिए मेंटरशिप प्रोग्राम, जैसे ये अभी आज कल 21 तारीख है, कल से इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। अभी तो ये केवल दृष्टि आईएएस के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए होता है। अभी मैं बताऊंगा कि जो नॉन दृष्टि आईएएस स्टूडेंट हैं, जो दृष्टि आईएएस के स्टूडेंट नहीं हैं उनके लिए क्या है, लेकिन अभी जो ये हो रहा है अभी केवल दृष्टि आईएएस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हो रहा है। तो अभी जैसे 21 तारीख से 23 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा, 24 तारीख को इनका एक टेस्ट होगा। टेस्ट साथियों 150 नंबर का होता है, जैसे आपका पीसीएस का होता है, लेकिन पीसीएस में दो पेपर होते हैं, एक जीएस का और दूसरा जीएस जो सीसेट हम लोग बोलते हैं उसका, लेकिन इसमें एक ही पेपर होगा वो 150 नंबर का होगा। 80 क्वेश्चन आपका जीएस और उसी में यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न होंगे, और उसमें 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर से होंगे, और 30 प्रश्न शायद जो है उसमें सीसेट से है। तो मिलाकर 150 प्रश्नों का जो है ये आपसे टेस्ट लिया जाएगा, और एक निश्चित कट ऑफ रखा जाएगा। जो भी बच्चा उस कट ऑफ को क्रैक कर जाएगा, पार कर जाएगा, तो उसको जो है मेंटरशिप प्रोग्राम में भर्ती कर लिया जाएगा बिल्कुल फ्री में। यानी उसको फ्री में जो है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जो है लाइब्रेरी मिलेगी, उस लाइब्रेरी में फ्री में टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। तो पहले वो टेस्ट सीरीज इस तरह से करवाई जाएगी सब्जेक्ट वाइज, आप जैसे ज्वाइन कर लिए, आपका निकल गया, आप कट ऑफ को पार कर गए, तो आप जाएंगे तो वहाँ हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, करंट अफेयर, ऐसे ऐसे आपको सब्जेक्ट वाइज पहले टेस्ट सीरीज देंगे सॉल्व करने के लिए। आप उस टेस्ट सीरीज को जब सॉल्व करोगे तो वहाँ जो मेंटर्स होंगे, अभी मैं इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे, तो मेंटर्स आपकी कॉपियों को देखेंगे कि बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इस बच्चे का में किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, इसकी कमी क्या है, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में बच्चा कमज़ोर है, इसकी कमियां क्या है। तो यानी आपके कमियों पर निगरानी रखेंगे, उस कमियों को दूर करने के लिए आपका सारा डाउट क्लियर करेंगे, आपके एक एक कमियों पर निगरानी रखते हैं। दूसरी बात, फिर ये जब स्टेप ख़त्म हो जाएगा तो आपको जो है एक मिक्सिंग, जैसे एग्जाम में जो है पेपर होते हैं तो सारे सब्जेक्ट के मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो आपको मिक्स क्वेश्चन दिया जाएगा। तो मिक्स क्वेश्चन बच्चे जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर तो फिर देखा जाएगा, हाँ बच्चा किस टाइप के प्रश्न को सॉल्व कर ले रहा है, किस टाइप के प्रश्न को नहीं सॉल्व कर ले रहा है, इस बच्चे की कमी कहाँ है, तो इन सभी चीज़ों को वहाँ पर निगरानी करके रखा जाता है। तीसरी बात, वहाँ पर आपका सारा डाउट क्लियर होगा, डाउट क्लियर सेशन भी होता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत से सारे वहाँ पर सुविधाएँ होती हैं। तो ये होती है एक मेंटरशिप प्रोग्राम की स्थिति। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में यही होता है कि आपकी एक एक कमियों को पकड़ा जाता है, एक एक कमियों को निगरानी रखकर आपकी एक एक कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो यही है मेंटरशिप प्रोग्राम। अब बात आती है साथियों, ये दृष्टि आईएएस स्टूडेंट के लिए है इस बार, जैसे जो लोग अभी 2024 का एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए अभी ये आया है। तो अभी इसके बाद ये फ्री है, लेकिन जिन बच्चों का मान लीजिए नहीं निकला, वो दृष्टि आईएएस के ही स्टूडेंट हैं और उनका मेंटरशिप प्रोग्राम नहीं निकला किसी भी वजह से, किसी भी कमी की वजह से, तो वो क्या होता है, उनको पेड करना पड़ेगा, पैसे देकर ये सब सुविधाएं पा सकते हैं, जितना भी होगा वो बाद में बताया जाएगा। तो वो सब पेड कोर्स के तहत आता है, पैसा देना पड़ेगा, और जिनका कट ऑफ के तहत तो पार कर जाएंगे, जिनका निकल जाएगा उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा। और जो नॉन दृष्टि आईएएस स्टूडेंट हैं उनका भी उसी तरह से होगा कि उनको भी जो है फ्री में सब कुछ नहीं मिलेगा, उनको भी पेड करना पड़ेगा। तो साथियों एक तरह से ये हम लोग मान सकते हैं, एक तरह से तो देखिए कोचिंग वाले कुछ भी अगर कराते हैं तो उनका कोई ना कोई निजी फ़ायदा होता ही है। निजी फ़ायदा ये है कि ये सुविधाएं सिर्फ दृष्टि आईएएस स्टूडेंट के लिए देते हैं फ्री में, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर आएंगे, उनके कोचिंग में एडमिशन लेंगे और उनसे जो है प्रभावित होकर उनमें ज्वाइन करेंगे, तो उनको सब कुछ फ्री में मिलेगा। अब भाई कौन कोचिंग वाला चाहेगा कि हम दुनिया भर के कोचिंग वालों को बुलाकर अपने यहाँ जो हम पढ़े कहीं और से हैं और हम ला के अपने यहाँ उनको मेंटर करें जो है, तो ये चीज़ें नहीं चाहती हैं। तो यही है, तो आगे एग्जाम होगा तो मैं आप सबको उसका सारा जो है पेपर और पीडीएफ जो है प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।